नमस्कार दोस्तों, ओम जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल इंडिया हमारी शान में। भारत के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित चरनंद्री की पहाड़ियाँ, जिनमें एलापुरा की गुफाएं हैं, जिन्हें एलोरा केव्स भी कहते हैं। और इन्हीं गुफाओं में 16वें नंबर की गुफा में स्थित है कैलाश नाथ मंदिर, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षित होने के साथ साथ काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश नाथ मंदिर में हर साल अनगिनत टूरिस्ट आते हैं, जो इसकी बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर, इसके साइज और इसके डिज़ाइन को देखकर काफ़ी दंग रह जाते हैं। और आज के सिविल इंजीनियर्स और साइंटिस्टों का भी यही कहना है कि इस मॉडर्न युग में भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो गई हो, सिविल इंजीनियरिंग कितने भी एडवांस हो गया हो, कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी भी हेवी मशीन्स और इक्विपमेंट्स आ गए हों, पर ऐसा स्ट्रक्चर को फिर से रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है। ये उनकी समझ से ही परे है कि उस ज़माने में किस टेक्निक और किन मशीनों से उन्होंने इसे तैयार किया होगा। ये बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला बात है। इसे किसने बनवाया, ये भी अभी तक अनसुलझा रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे राजकोट साम्राज्य में 8वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया होगा। वहीं कुछ इतिहासकार इसे उससे भी काफ़ी प्राचीन समय का मानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई प्रचलित कहानियां हैं। उन प्रचलित कहानियों में ये कहानी भी है। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र का राज परिवार जब पूरी तरह संपन्न था और राज कर रहा था, तब अचानक राजा बीमार पड़ जाते हैं। उनकी बीमारी से आहत होकर रानी शिव भगवान जी की पूजा करती हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती हैं और राजा राज्य को संभालने वापस आ जाते हैं। तब भक्ति और आस्था में लीन होकर ये राज्य परिवार भव्य शिव मंदिर के निर्माण का निर्णय करता है। लेकिन फिर समस्या खड़ी होती है जब रानी ये प्रतिज्ञा करती हैं कि जब तक वो मंदिर के शिखर को देख नहीं लेती, तब तक वह उपवास रखेंगी। ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मंदिर बनने में तो सालों लगने वाले थे। तब इस समस्या का हल निकालते हैं इस मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर, जिनका नाम कोकस था। वह यह निर्णय करते हैं कि मंदिर को नीचे से ऊपर ना बना के ऊपर से ही बनाना आरंभ किया जाए। काम इतनी तेजी से किया जाता है कि कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर नजर आने लगता है और रानी का व्रत को तोड़वा कर उनकी जान बचा ली जाती है। इन प्रचलित कहानियों में कौन सी कहानी सही है, ये तो कहा नहीं जा सकता, मगर ये जरूर सत्य है कि मंदिर को ऊपर से ही बनाना शुरू किया गया और यह रिवर्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का दुनिया का सबसे अद्भुत स्ट्रक्चर है। इनके कई रहस्यों में सोचने वाली बात यही है कि आखिर उन्होंने उल्टे स्ट्रक्चर को बनाते हुए भी इतना फास्ट कैसे बनाया। इनके डिजाइन और इनके कैलकुलेशन इतने परफेक्ट कैसे थे, उल्टा जाते हुए भी कैसे सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेट किया। इन्होंने निर्माण में कौन से मशीन्स का इस्तेमाल किया और ये मशीन्स कितने पावरफुल थे। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजकूट के राजाओं ने या फिर किन्हीं और ने। मंदिर के नीचे जाने वाले गुफाओं के रास्ते बंद क्यों हैं। इन रहस्यों के अलावा मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक बातों में चर्चा होगी अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।